नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायर मैन के लिए ऑनलाइन टेस्ट का लेसन नंबर 58 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, तो आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर रेलवे के सारे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ। रेफरर कोड है तारिक सर्वर 5। इस रेफरर कोड से आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को परचेस करने के लिए 10% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है, कपास, जूट, गन्ना या तिलहन। तो जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल। तो दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल के बारे में, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका गन्ना। गन्ना जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए कहाँ पर, हापुड़ में, लखनऊ में, सहारनपुर में या वाराणसी में। या अगर एक से ज़्यादा जगह में हो तो आपका ऑप्शंस देखो, अगर पहले हापुड़ में हो, लखनऊ में हो, तो पहला ऑप्शंस हापुड़ सहारनपुर में, तो दूसरा ऑप्शंस इसी प्रकार से तीसरा और चौथे को आप गैस कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि एक्चुअल में आपका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी कि उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी सभी जगह स्थापित किए हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर कितनी है, 2%, 3%, 4% या 5%। तो जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में निर्धारित विकास दर कितनी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका कितनी परसेंट, 4%, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, मध्य उत्तर प्रदेश में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो जल्दी से बता दीजिए कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कृषि श्रम उत्पादकता की, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वप्रथम कहाँ पर या सबसे ज़्यादा कहाँ है सर्वाधिक, तो आपका जो एक्चुअल में जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन के, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, 1 एकड़ से कम भूमि वालों को, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, 2 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को या 2.5 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को। तो जल्दी से बता दीजिए कि एक्चुअल में जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा जाता है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीथीन लेकिन नहीं है, लखनऊ, झांसी, मुजफ्फरनगर या गोरखपुर। तो उस जनपद को चिन्हित करना है जिसमें जानवरों के लिए पॉलीथीन नहीं है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका झांसी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। झांसी ऐसा जनपद है जहाँ पर जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है कब, जनवरी फरवरी के दौरान, अप्रैल मई के दौरान, जून जुलाई के दौरान या अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो आपकी बुआई है वो कब होती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जून जुलाई के दौरान, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जो है वो जून जुलाई के दौरान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह क्या है, खाद्यान्न, तिल, दलहन या मसाले। तो भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका खाग्नन, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली या सुल्तानपुर। तो जल्दी से बता दीजिए कि आंवले का सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है।
तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले की अगर हम बात करें तो वह आपका प्रतापगढ़ है, यानी कि तीसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? बहराइच में, रांची में, झांसी में या पटना में? तो जल्दी से बता दीजिए कि भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका झांसी में, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी कब से? 1970 से, 1975 से, 1990 से या 1992 से? तो जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना है वो कब से लागू की गई थी। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका कौन से नंबर का दोस्तों, चौथे नंबर का, यानी कि 1992 में, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू के, आलू का, गेहूं का, गन्ने का या तंबाकू का? तो जल्दी से बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखो इसमें ऑप्शंस ये हैं, अगर आलू गन्ना गेहूं का नहीं है तो पहला ऑप्शन आलू गेहूं का नहीं है, तो पहला गेहूं गन्ना नहीं है तो दूसरा, इस प्रकार से आपको ऑप्शंस छांटना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शंस के, उत्तर प्रदेश जो है वो आलू का और गन्ने का फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शंस, चौथा ऑप्शंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गन्ने पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? चना, मसूर, अरहर, मूंग? तो जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका मूंग, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस में पता, देखो एक तो आलू, दूसरा तंबाकू, यानी कि पहला और चौथा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर तीसरे की जगह चौथा कर लो, है ना, तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि तंबाकू में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश है और आलू में उत्तर प्रदेश तो फिलहाल नहीं है, गेहूं और गन्ने में तो उत्तर प्रदेश है। तो किस में, इसमें यही पूछा था कि किन फसलों में देश में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो आलू और तंबाकू में यानी कि चौथा ऑप्शन कर लो और तीसरे की जगह चौथा लिख लेना, तो सही हो जाएगा। देखो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। उत्तर प्रदेश अग्रणीय उत्पादक है किसका? गेहूं, गन्ना, आलू का, गेहूं, आलू, मूंगफली का, आलू, गन्ना, चावल का या गन्ना, कपास, आलू का? तो जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो सही आंसर है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक राज्य है किसका? गेहूं, गन्ना और आलू का। मोस्टली आलू इतना नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन में आप चौथा ही ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। हाँ उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश किन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे किसके उत्पादन में रखता है, गेहूं और गन्ने में, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ललितपुर, झांसी, बांदा या महोबा? पान उत्पादन के लिए, तो पान उत्पादन के लिए जो आपका महोबा है उत्तर प्रदेश का जिला, वो बेहद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गेहूं के, आलू का, गन्ना का या फूलों का? तो जल्दी से बता दीजिए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका फूलों का, यानी कि चौथा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? मेरठ, गोरखपुर, इटावा या फरुखाबाद? अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम है इटावा, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र? तो आपका सही आंसर है पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा दोस्तों? पश्चिमी क्षेत्र, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस के, प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? ये मृदा अपरदन वाला था ऊपर वाला, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके वायु मृदा अपरदन, तो जल्दी से बता दीजिए। ऊपर वाला बाढ़ से प्रभावित है, वायु मृदा अपरदन से? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए।
अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहा कि निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, आलू, चावल, गन्ना या गेहूं। तो सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोग लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।